प्रेम और श्रद्धा में क्या अंतर है वो बताने के लिए शुक्ल जी की प्रेम की एक खास धारणा है, और वो कहते हैं कि प्रेम इज नॉट इक्वल टू लोभ। और लोभ का मतलब वही होता है जिसको आप लोगों की भाषा में इनफेचुएशन कहते हैं। इनफेचुएशन के लिए हिंदी में क्या शब्द है? आकर्षण, आसक्ति, आसक्ति भी कह सकते हैं। हाँ ठीक है, आकर्षण ज्यादा ठीक शब्द है उसके लिए मेरे ख्याल से। आकर्षण जैसे होता है ना, कुछ लोग दिल हथेली में लेके चलते हैं एकदम, अचानक कहीं ढेर हो गए दोस्तों, अरे कहाँ चला गया, उठाया, क्या हुआ भाई, अरे यार अभी ये गई थी, मैं मर गया उसके ऊपर। क्या हुआ था, कौन था, अरे पूछो नहीं यार, ये नहीं पता, मुखबरी थी, परी थी। मुझे लगा मुखबरी क्या होता है, तो कोई किसी को देखा और एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ये हो गया वो हो गया, एक वो है ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गजल, ड्रीम गर्ल, देखा नहीं है, नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता है, हवा में ही चल रहा है कार्यक्रम, रत्नसेन हो गया आदमी, हाय हाय करता हुआ टांकियों से पहाड़ खो देगा, इस मूड में आ गया है। और कुछ लोग इसी को बोलते हैं प्यार, और कुछ गधे बोलते हैं सच्चा प्यार तो पहली नजर में होता है, पहली नजर में गधापन होता है, कुछ नहीं होता, कोई प्यार व्यार नहीं होता, बकवास होती है। तो जो पहली नजर में गधापन होता है उसको लोभ कहते हैं। ठीक, क्या हो गया? हाँ तो होता है, वो तो होता वही है। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे पहली नजर में प्यार हो गया, कुछ नहीं है, बकवास बात है, ये कोई प्यार व्यार नहीं है, ये केवल और केवल लाभ लोभ है, आकर्षण है, जो रूप का लोभ है, रूप को देखकर आसक्त हो जाना, उसकी कामना करने लगना, ये लोभ का लक्षण है। शुक्ल जी का मानना है कि प्रेम तो परिचय से होता है, इनका सिंपल फार्मूला है प्रेम का, प्रेम का मतलब है रूप लोभ प्लस परिचय, ये केमिकल इक्वेशन जैसी बने साथ में लिखो प्रेम, रूप लोभ प्लस परिचय बराबर प्रेम, दोनों चीज होनी चाहिए। परिचय बहुत गहरा है किंतु लोभ होता ही नहीं कभी, साथ बैठने का मन ही नहीं करता है, तो प्रेम थोड़ा ना है, परिचय है। एक्वेंटेंसेस बहुत सारे होते हैं, बहुत परिचय जीवन में होते हैं, दोस्ती बहुत सघन है किंतु दोस्ती में ऐसा भाव आता ही नहीं एक क्षण के लिए भी, तो दोस्ती है, परिचय है, प्रेम नहीं है। तो जब आप कहें कि मैं किसी से प्रेम करता हूं या करती हूं, उसमें दो लक्षण जरूरी हैं, पहला उस व्यक्ति के रूप के प्रति आसक्ति का भाव होना चाहिए, बड़ा स्मार्ट है मुंडा, जब तक ये भावना है मन में, या मुंडी, मुंडी बोलते हैं, कुड़ी, कुड़ी बोलते हैं। मुंडी तो खोपड़ी हो जाएगी, है ना, कुड़ी बहुत सोनी है, जब तक ऐसा भाव ना आए मुंडे के मन में तब तक प्रेम की शुरुआत नहीं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, इसके दूसरी शर्त क्या है, परिचय। जैसे कृष्ण ने राधा को देखा, राधा ने कृष्ण को देखा, फिर मुड़ के देखा, वो प्रेम नहीं, वो आसक्ति शुरू हो गई है, उसके बाद प्रेम तो हुआ परिचय से। एक धार दोहनी पहुंचावत एक धार जह प्यारी ठाड़ी, वो रोज एक दूसरे घर में घुस के अपनी भाभी सासू माँ से बात करते करते, कृष्ण से बात करते करते जो प्रेम हुआ ना, असली प्रेम तो वो प्रेम है। ये शुक्ल जी का कंसेप्ट है। तो पहली बात प्रेम और लोभ का अंतर स्पष्ट हो गया, तो लोभ के साथ जब परिचय जुड़ेगा तब बनेगा प्रेम। तो कह रहे हैं कि प्रेम और श्रद्धा में बहुत सारे अंतर हैं, आप जल्दी से टेबल में लिखिए, नंबर एक प्रेम में लिखिए निश्चित कारण नहीं, और श्रद्धा में लिखिए निश्चित कारण होना जरूरी। किसी से प्रेम हो जाए, लोग बोले कि उससे प्रेम क्यों हुआ, आप क्या कहेंगे, अरे यार हो गया तो हो गया, जब दिल आया क पे तो ख क्या चीज है, ये मत पूछो क्यों हुआ, बस हो गया। और जब आप एक खास किस्म की प्रेम दशा में होंगे तो उस समय उस व्यक्ति के सारे कर्म अच्छे लगेंगे आपको, नीच से नीच कर्म भी अच्छा लगेगा उस समय उसको, आपको नायक सिगरेट पी रहा है छल्ले छोड़ रहेगा, बोले आह क्या छल्ले छोड़ता है, ऐसे छल्ले कोई नहीं छोड़ सकता, जैसे मेरा वो छोड़ता है कोई नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रेम की स्थिति है, प्रेम की स्थिति है, नायक भी उतना ही होश है, नायिका ने छीका, कह रहा है क्या छींकती हो यार तुम, गजब। इतनी छींक देखी, लेकिन ऐसी छींक पवित्र छींक आज तक कभी नहीं देखी है, क्योंकि इसके दिमाग में क्या हो रहा है ना, व्यक्ति से कर्म की ओर जा रहे हैं, पहले प्रेम तो है, जब प्रेम हो ही गया तो फिर हर चीज अच्छी लग रही है, कुछ दिन रहता है उसके बाद छींक छींक ही लगती है, उसके बाद ये कुछ दिन की अवस्था है,
उसके बाद दूसरी तरफ क्या है, कर्म से व्यक्ति, पहले कर्म, कर्म महान है तो व्यक्ति की प्रसन्नता होगी। तो प्रेम में व्यक्ति के प्रति भाव है, उससे कर्म भी अच्छे लग रहे हैं, श्रद्धा में कर्मों के प्रति श्रद्धा है, और क्योंकि कर्म एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हैं तो उस व्यक्ति पे श्रद्धा शिफ्ट हो जाती है। प्रेम में लिखिए अधिकार की इच्छा होती है, श्रद्धा में लिखिए नहीं होती। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे पूरा अधिकार, इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि जैसी घोषणा होती है आज से हम प्रेमी प्रेमिका हुए, फिर उसे तुरंत होता है पासवर्ड दो अपना, ईमेल का पासवर्ड दो, व्हाट्सएप का दो, फोन का पासवर्ड दो, फेसबुक का पासवर्ड दो, मैसेंजर का पासवर्ड दो, और नहीं दिया तो धोखा हो रहा है। तो लोग भी सियाने हैं, दो फोन रखते, दो अकाउंट रखते हैं, एक का दे देते हैं, दूसरे से सार्वजनिक संबंध रखते हैं। तो ये जो अधिकार है ना, जैसी नायक आए, नायक ने उसे फोन चेक किया खटाखट, ये कौन है चुड़ैल इसका जो फोन आया हुआ है। अब ये जो सारा खेल चल रहा है ना, ये कौन सा खेल चल रहा है, ये अधिकार भावना है। और अधिकार भावना जिसमें जितनी ज्यादा दिखे, इसका मतलब वो अंदर से उतना ही डरा हुआ है, उसको लग रहा है इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। भाई जब दो लोग प्रेम करते हैं, एकदम शुद्ध बराबरी तो होती नहीं है, तो उनमें से एक आध को लगता रहता है कि कहीं इसे सब कुछ ज्ञात हो गया तो ये छोड़ ना दे, क्योंकि इसको मुझसे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे, मुझे नहीं मिलेंगे। तो जो असुरक्षा में है वो हमेशा बोलता है शादी कर लो, शादी कर लो, जल्दी कर लो शादी, और जो सुरक्षित है बोलता है अभी क्या करेंगे, आराम से करेंगे, क्या जल्दी है, पेरेंट्स से बात करेंगे, फिर दादा दादी से बात करेंगे, नाना नानी से बात करेंगे, गांव से बात करेंगे, जल्दी किस बात की है। तो जो जो असुरक्षित है वो हमेशा ऐसी हरकतें ज्यादा करेगा, नौटंकी ज्यादा करेगा, सुसाइडल अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेगा, कुल मिला के दबाव बना के किसी तरह से स्थायी रूप से कब्जा हो जाए, आज से तू मेरी प्रॉपर्टी है, अब शादी हो गई, पट्टा बंध गया है, अब पट्टे के अंदर बंधा रहे और चल जैसे कहूं, हाथ ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, शाबाश। ये तो ये प्रेम की दुनिया में अधिकार भावना बहुत ज्यादा है, और जिसने अधिकार भावना ज्यादा रखी उसके हाथ से व्यक्ति निकला। भले एक समय के बाद ये हो सकता है कि व्यक्ति बाध्यताओं में उसके साथ है, किंतु दिल से उसके साथ रह ही नहीं सकता। भाई किसी को अगर वस्तु तरह ट्रीट करोगे तो व्यक्ति की तरह कैसे बिहेव कर सकता है, संभव नहीं है ना। श्रद्धा में अधिकार भावना नहीं होती,